शिल्पा शेट्टी, अरे आईना पर जुलम काहे ढा रही हो? वो तो चाहकर भी कह नहीं सकता कि आप कितनी सुंदर लग रही हो। चुप रहिए, आईना के आंख में आपके जैसा पाप नहीं भरल है। पाप? अरे अपनी बीबी की सुंदरता को निहारना या उसको प्यार करने में पाप कैसा? बात नियत का होता है। अब नियत तो अपनी बीबी पर किसी का भी खराब होता है। अगर ये पाप है तो दुनिया का हर आदमी पापी है, और हम को ये पाप करने में कोई नो गुरेज ना। अरे कसम, क्या कर रही हो तुम? हमारी ब्याहता मेहरारू हो, हमको तुमको प्यार करने का अधिकार भी है और कर्तव्य भी। ये कर्तव्य अधिकार का भाषण अपने पास ही रखिए। हम तो बस इतना जानते हैं कि अगर एक बार भी आप हमको छुए ना, तो हम सीधे अदालत में चले जाएंगे। अरे वकील को अदालत की धमकी दे रही हो? अदालत के कौन से ऐसे दाव पे जो हमको नहीं मालूम? तो वकील साहब, आप इतना भी अच्छे से जानते होंगे कि अपना औरत को उसकी मर्जी के बगैर छूना कानून की नजर में अपराध माना जाता है। समझ रहे हैं ना हम क्या कह रहे हैं? हाँ समझ रहे हैं, बोलते रहिए, क्या कहना है आपको? यही कि अगर आपके खिलाफ FIR लिखवा दिए कि हमरे जैसे अबला पे घरेलू अत्याचार हो रहा है, तो जानते हैं ना आपका क्या होगा? सीधे 7 साल के लिए भीतर चले जाइएगा। इतना कानून तो हमें भी मालूम है। ऐसे बात की जाती है अपने पति से? हाँ, अपने पति से ऐसे बात की जाती है? जाके घड़ा में अपना मुंह देख कर आइए, फिर अपने आप को हमरा पति कहिएगा। चलिए जाइए यहाँ से, जाइए, मेरा मुंह क्या देख रहे हैं, जाइए। कहते हैं ना, क्या जाने अदरक का स्वाद। अरे तुम क्या समझो कि हम कितने काबिल आदमी हैं? हट। का किस्मत है हमरा, किसी चीज का कमी नहीं, बाकी अपना कुछ भी नहीं। बहुत कम लोग हैं जिसको इतना बढ़िया ससुराल मिलता है, इतना बढ़िया ससुराल। अरे जो मेहरारू है ना हमरी, उसका नजर में तो हमारा औकात कुत्ता से भी बदतर है। क्योंकि माँ सासू जी, उनका तो जवाब ही नहीं, वो तो हमको रोड का भिखारी समझती है। इज्जत है हमरी इस घर में। अरे केजी तो यहाँ रहता क्यों है, क्यों नहीं चला जाता यहाँ से? ठीक है, इलेक्शन में खड़ा करवा रहे हैं ना, बढ़िया है। पहले वार्ड कमिश्नर, फिर चेयरमैन, फिर MLA, फिर हम देखते हैं कौन बाहुबली आता है। अरे असली बाहुबली तो नेता होता है ना, असली बाहुबली। वाह केडी, क्या दिमाग पाए हो, असली बाहुबली, असली बाहुबली। क्या कर रहे हो मामा? ये काट के फेंक देंगे पानी में, अब मछली काम सब खा जाएगा। लेकिन किसकी? कोई नहीं रोएगा तुमने दिए इस घर में, कुत्ता भी नहीं रोएगा। क्या बोल रहे थे जन्मा को तुम? वो तो खुद ही सब लिया मत, सब हम अपने कान से सुने हैं और आंख से देखे। साला गिरगिट की तरह रंग बदलने लगा, कब तक हमारा तलवा चाटता था, आज उन्हें जनवा कहते उसके पीछे लग गया तुम लगा के। हैं? हम नहीं बोले मामा, वो तो पहले उन्हें जनवा का हिसाब किताब करेंगे, उसके बाद तुम्हारा भी खातिरदारी करेंगे, सुन लो। अच्छा ठीक है, नटंगी मत करो हमारे सामने, समझ गए? जानते हो ना अपना दिमाग, अगर जय दोबारा सुने ना तो राम नाम सत्य कर देंगे, सुन लो। आज के बाद हम कोई गलती नहीं करेंगे। आज इसलिए छोड़ रहे हैं तुमको कि तुम कुसमी के पति हो, अगली बार माफ नहीं करेंगे, संभल जाओ। आपको ज्यादा क्या बताना, बस हम चाहते हैं कि इस बार के चुनाव में आप लोग का पूरा सहयोग हमको मिले। इस बार हमने निशा को चुनाव में खड़ा किया है, जो खुद भी काफी पढ़ी लिखी है। बस हम यही चाहते हैं कि हमारा समाज सभ्य हो, शिक्षित हो, और उसकी बागडोर नौजवान पीढ़ी के हाथ में हो, ताकि हमारा भविष्य सुनहरा हो। सही कह रहे हैं आप, हम सभी यही चाहते हैं। हाँ ये बात तो है, लेकिन अमूमन ये बातें चुनाव के दौरान ही कही जाती हैं, और चुनाव जीतने के बाद लोग अक्सर ये सारी बातें भूल जाते हैं। आपका कहना एकदम सही है, लेकिन आप हम पर भरोसा रखिए, हम जो कह रहे हैं वो करके दिखाएं, बस हमको आप जैसे लोगों का सहयोग और समर्थन चाहिए। तो ठीक है, इस बार मौका इन्हीं को दिया जाए, क्यों भाई? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। अच्छा हम लोग चलते हैं। नमस्कार।
में आइल बहार भौजी। ए भौजी। वाह ललित भैया वाह, आप तो बहुत अच्छा गाना गाते हैं, मुझे तो पता ही नहीं था। अरे हम तो बस ऐसे ही गाते हैं, कोई गायक वायक नहीं है। गायक तो हमारे गांव के रामानंद मिसर है। का गाते हैं, जब वो गाते हैं ना तो ऐसा लगता है जैसे कान में मिश्री घोल रहे हैं। वो जैसा भी गाते हो, मगर हमें इतना पता है कि आप बहुत अच्छा गाते हैं। आपका गाना उदय सुनेगा ना तो वो भी बहुत खुश हो जाएगा। उदय वही दिन वाला लेकर तुम्हारा साथी? हाँ ललन भैया। ललन भैया हम उसे बहुत प्यार करते हैं और वो भी हमें बहुत चाहता है। अगर हम उसे नहीं मिले ना तो हम उसकी याद में बीमार भी पड़ सकते हैं। ललन भैया हमें टाइफाइड भी हो सकता है और बीमारी की वजह से हमारी जान भी जा सकती है। अरे कैसी बात कर रही हो, अपने मुंह से इतना गंदी बात नहीं करनी चाहिए। अरे तुम तो इस घर की छोटी सी गुड़िया हो। लेकिन ललन भैया हम सच कह रहे हैं, अगर हमारी जान चली गई ना तो इसके जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। और फिर चाहे आप संगम में साथ डुबकी क्यों ना लगा लें, आपके माथे से ये पाप नहीं हटने वाला। हे भगवान अब हम क्या करें। हम है कृष्ण देव और केडी, बस एक बार आप हमको इस इलेक्शन में किसी तरह से जितवा दीजिए, फिर ये झोपड़ा से निकाल कर हम आपको पक्का का मकान में भिजवा देंगे। ये हमारा आपसे वादा है, बस एक बार किसी तरह से जितवा दीजिए, जितवा कर देखिए। पार्टी हमारा चुनाव चिन्ह है, उस पर मोहर लगाइए। ठीक है बड़ा केडी बाबू, केडी बाबू हमारा नेता कैसा हो, केडी बाबू जैसा हो हमारा नेता कैसा हो, केडी बाबू जैसा हो, केडी बाबू जिंदाबाद, केडी बाबू जिंदाबाद। और श्याम सुंदर कैसा चल रहा है तुम्हारा ये हजामत बनाने का दुकान? ललन भैया ये हजामत का दुकान नहीं है, ये ब्यूटी पार्लर है, ब्यूटी पार्लर। इसलिए तुम दोनों मेहरारू मरद मिलके चला रहे हो? हाँ ललन भैया, मर्दन का हजामत हम बनाते हैं, औरतन का हमरी मेहरारू। अच्छा बाकी इस सब बात काहे पूछ रहे ललन भैया, ना श्याम सुंदर कोई गलती नहीं हुआ, उनको तो मालूम हो गया जो जमीन पर पहले बबन लाल का कब्जा था। हाँ, हाँ। और हमारे मालिक अमरकांत बाबू के चलते फिर से तुमको ये जमीन मिल गई। कैसे भूल सकते हैं ललन भैया, उन्हीं का देन है कि आज हमारा परिवार चल रहा है। बाकी ये बात आप कहे पूछ रहे हैं ललन भैया? देखे सोचे कि तुम एहसान तो भूल तो नहीं गए, बाकी मालिक के घर के लिए कुछ किए वास्ता है। जे कहिएगा से करेंगे, हम कहीं जो पीछे हटे हैं का। ये भैया के गुस्सा से बचना है तो वही करना जो हम कह रहे हैं। ललन भैया अब जे पांव के नीचे अपन गर्दन फसल होगा वो गर्दन के तो सहलावे ही पड़ेगा ना। और सुनो एक पुण्य का काम करना होगा तुम, जो तुम्हारी दुकान के पीछे में जो जमीन है ना उसमें दो लेकर लेके प्यार करने वाला मिलेगा। ये बात किसी को कानो कान खबर नहीं होना चाहिए। बात तो सही है पर उन लोग है कौन? वो सब तुमको पता चल जाएगा, लेकिन ये बात किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। मालूम चल गया ना बहुत बुरा। और सुनो अपना ही बीवी को भी समझा ले, मेरा रूबरे तक जा करती है। और सब मशीन उदय बाबू बम्बई से मंगाए हैं? हाँ तो और कहाँ से बम्बई? अरे भैया बम्बई में जमीन कहाँ है, तब्बू ना हुआ का आदमी मशीन पे दौड़ता है। मशीन पे दौड़ता है। हाय उदी। पॉल, पॉल, ऑस्ट्रेलिया से। ओके ओके, ऑस्ट्रेलिया से फोन, माय फ्रेंड। यू कैरी ऑन, काम करो, काम करो, काम करो। यस पॉल। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, भाग रहा हूँ। व्हाट? कहाँ भाग रहे हो? ट्रेडमिल पर, ट्रेडमिल पर भाग रहा हूँ। स्टुपिड,
मुझे लगा कि तुम महाराजगंज छोड़कर भाग रहे हो। काश काश ऐसा हो पाचा। अच्छा सुनो, मुझे तुम्हें एक बात बतानी थी। अब हमें अब मिलने के लिए इतनी दूर शिव जी के मंदिर नहीं आना पड़ेगा। अच्छा अब फिर कहाँ? फिर कहाँ? हमारे मिलने की जगह का इंतजाम हो चुका है, अब बस इतना बताओ कि कब मिलना है। मीटिंग जरूरी है क्या पाव? ऑफ कोर्स मिलना जरूरी है। नहीं, मतलब है कि तुम कहाँ ऑस्ट्रेलिया में, मैं इधर इंडिया में। हाँ, इट्स टू फार। ओके, मीटिंग कैंसिल नहीं हो सकता। कैसी बातें कर रहे हो तुम? बताओ कब मिलना है। ओके ओके, इट्स अर्जेंट, इट्स अर्जेंट, अर्जेंट मीटिंग है, मिलना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा। ओके ठीक है, मिलता है। तुम लेकिन अभी फोन बंद करो, इट्स एन इंटरनेशनल कॉल। यस यस, फोन बंद करो। ठीक है, तो तुम मुझे जल्दी से किस दे दो। नहीं, ऑफ कोर्स मैं मिस तो कर रहा हूँ पॉल, बट राइट नाउ बहुत मुश्किल है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, समबडी सेंड हियर। ओके ओके पॉल, तो मैं क्या करूँ, जल्दी से मुझे किस दे दो बस। चलो उदी, मैं वेट कर रही हूँ, डोंट बी कंजूस। हाँ ओके ओके। अच्छा, बहुत जुकाम है, पसीने वाली। ओके अच्छा, पॉल रखता हूँ। ओके थैंक यू, बाय। ओके पॉल, बाय बाय, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स। कैरी ऑन कैरी ऑन। बूझ गए, बूझ गए, आपका मन का बात एकदम बूझ गए भैया जी। यहाँ ना मजा मारे के एक से एक जगह है। अच्छा, तुमको कैसे मालूम है? गलती माफ उस्ताद, हम तो एक दो जगह डुबकियों लगा के आए। बड़ा बदमाश है तू। हाँ, बाकी जौन मजा चमकी बाई के कोठा पे है ना, वो मजा कहे नहीं, एक से एक हसीना है वहाँ पे। अच्छा, बाकी बाकी कारी, बाकी का? बाकी एक को माल है, चमकी बाई की बेटी है सीमा देवी, हसीना है, हसीना कच्ची कली, वैसे कली कहीं नहीं। अच्छा, अब तो ना खूबसूरत है, फिर तो इस कली को हम ही फूल बनाएंगे। बाकी एक भारी समस्या है, चमकी बाई अपनी बेटी का नथ किसी बड़े आसामी से उतरवाना चाहती। अरे ते में कौन सा बड़ा समस्या है, हमसे बड़ा आसामी उसको कहाँ मिलेगा? हाँ, जाओ बोलो उसको, इतना बड़का आदमी रजन लाल उसकी बिटिया का नथ उतारना चाहते हैं, बोलो। नथ का उतरवाई का लोगी? तो अभी नहीं जाए उस्ताद? नहीं, पंडित से पत्रा दिखलवा के जाना। अभी जाते हैं, चमकी बाई से सौदा पटा कर तुरंत आते हैं। जाए 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 जाए, जब तक हम उदैया को ट्रेनिंग दे रहे हैं तब तक तिल बनाने के लिए हमको भी तो ठगुड़िया चाहिए। ले वीरन, प्रेस में जाके पता कर कि इलेक्शन का पोस्टर सब छप गया कि नहीं। हाँ, और कुछ लड़का सबका इंतजाम कर जो रात भर घूम घूम के सब जगह पोस्टर साटे, ठीक है? चल जा। अरे सुन सुन, एक बात और, वो पेंटर के यहाँ भी देख लेना कि बैनर सब बनाया कि नहीं, गौर से देख लेना कि निशा का नाम अवार्ड का नंबर ठीक लिखा है ना। जी भैया। मेगा, वो हम ब्यूटी पार्लर जा रहे थे, जल्दी आ जाएंगे। मेगा, हम तुमसे कब पूछे कि तुम कहाँ जा रही हो, कब तक लौटोगे? नहीं, वो आपने पीछे से आवाज दी ना तो हम घबरा गए। मेगा, तुमको हमसे घबराने का जरूरत नहीं है, हम तुम्हारे बड़का भाई हैं। तो हम जाएं? ठीक है, जाओ, मगर ध्यान रखना, इस जगह हमारे दुश्मन बब्बन लाल का भी घर है, थोड़ा सावधान रहना, तुम किसी को अपने साथ लेके जाना। अभिजय, ये पता करना होगा निशा के बैनर पोस्टर सबका कहाँ पोजीशन है, प्रेस वाला कब तक दे रहा सारा मटेरियल? काका, आप चिंता मत कीजिए, हम आदमी भेज चुके हैं। यह तो तुम्हारा खूबी है, हमारा दिमाग से एक कदम आगे चलते हो।
बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम निशा बिटिया के इलेक्शन का देख रेख अपने कर रहे हो। अच्छा लगता है व्यापार देख के। काका, हमारे लिए सबसे बड़ा खुशी की बात यही है कि आप हमको इतना मान देते हैं। विजय, हम लोग को ये बात ध्यान में रख के चलना पड़ेगा कि दुलारी अपना पूरा ताकत झोंक देगी केडी को जिताने वास्ते। ये इलेक्शन जीत के वो जरूर हम लोग से ऊपर आना चाहेगी। काका, आप घबराइए मत, हम दुश्मन के हर चाल पर नजर रखे हुए हैं। हम वादा करते हैं आप। ललन भैया, हम अभी आ रहे हैं। ठीक है। वो बात है शांत सुंदर, कहा इतना घबराए हुए हो? रात में कोनो भूत पिचास देख लियो का? भूत प्रेत तो नहीं देखे हैं ललन भैया, बाकी हमारा तो त्रिलोके दिखाई दे रहा है। क्या बात करते हो, अब तो तुम अंतर्यामी भी हो गए। हजामत बनाते बनाते त्रिलोक की बात करने लगे हो। वो बात तो है ललन भैया, बाकी आप तो ही बारूद का ढेर हमारा घरे में ला के रख दिए है। तनिको सा आग लगेगा तो हमारा तो सत्यानाश हो जाएगा। अरे सत्यानाश काहे होगा, बारूद का रिमोट भी तो तुम्हारे हाथ में है, तुम नहीं चाहोगे तो ब्लास्ट कैसे हो? ललन भैया, हमको बहुत डर लग रहा है। वो विजयकांत भैया के जब पता चलेगा कि उनकर बहिन के हम उनकर दुश्मन के घर के लड़का के साथ अपना घर में मिले लगी दिए हैं, तो वो तो हमारा सर्वनाश कर देंगे। इतना बार बोले तुमको कि जोर से मत बोले, जिसके पास कान आंख नहीं होगा वो भी सुन लेगा। विजयकांत भैया से पहले हम तुमको मुआ देंगे साले। मिलने के लिए तो मुझे इतना परेशान करोगे? बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं करती मेघा? अगर तुम्हारे और मेरे फैमिली मेंबर में से किसी को भी हमारे रिलेशनशिप के बारे में पता चल गया तो मालूम ना क्या होगा? क्या होगा? या तुम मरोगे या फिर मैं, या फिर हम दोनों। सही, फिर ना हम लोग स्वर्ग में मिलेंगे और शादी भी वही कर लेंगे, उसके बाद हम लोग हनीमून भी वही मना लेंगे, ठीक है ना? पागल हो गई हो क्या? तुम कभी सीरियस नहीं हो सकते? वही तो मैं तुमसे कह रही हूँ कि तुम कभी नॉर्मल नहीं रह सकते, जब से आए हो तब से सीरियस बातें कर रहे हो। तो और मैं क्या करूँ यार, अब तुम ही सोचो। यहाँ से पहले जब हम ऑस्ट्रेलिया में थे तो कितने आजाद पंछी की तरह घुमा फिरा करते थे, मिला करते थे, ना किसी का डर, ना कोई टेंशन, ना कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था मेगा। लेकिन यहाँ जब से आया हूँ तब से चारों तरफ डर ही डर दिखाई देता है। जब देखो तब पिस्टल, रिवॉल्वर, बंदूक, खून खराबा, इसके सिवा कुछ और दिखाई देता है तुम्हें? पता है मुझे क्या लगता है? मुझे लगता है कि यहाँ के लोग अभी भी 19वीं सदी में जी रहे हैं। उदय, हमारा क्या होगा? अब क्या होगा ये तो मैं नहीं कह सकता मेघा, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज्यादा, और हमेशा करता रहूंगा। मैं जानती हूँ उदय, अगर मेरी शादी तुम्हारे साथ नहीं हुई ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। साथ में है नहीं, कितना बर्दाश्त करेंगे बेचारे, रात सपने में मामला गड़बड़ हो गया होगा। अरे ओ पहलवान जी, आज आप हमारे यहाँ आ जाइए। अरे नया नया चौकी खरीदा है, आज आपके हाथ से उद्घाटन हो जाएगा। अरे आइए आइए, कहिए का सेवा करें हम आपकी।
अरे सेवा की बात छोड़ो, जरा हमारे उस्ताद जी भेजे हैं काम से। हाँ तो कहिए ना। अरे जरा तुम्हारी बेटी सीमा कुमारी का सौदा की बात करना है। सौदा? अरे अरे हुजूर, ये क्या कह रहे हैं आप? आप तो नहीं देर कर दिया आने में। कैसा देर? हम सीमा का सौदा नहीं कर सकते। अरे काहे नहीं कर सकते? अब पत्री जी, हम आपसे झूठ तो नहीं बोल सकते। का है ना कि सीमा का सौदा हम कर चुके हैं। अरे ऐसे कैसे सीमा का सौदा कर चुके हैं? अरे भाई, एक को भड़का पार्टी आया और हम सौदा कर लिए। अरे झूठ बोल रही हो तुम, हम नहीं मानते। अरे धंधे की कसम खाकर कह रहे हैं भाई, सौदा हो चुका है सीमा का। अरे हम छिनाल लाल के बात का कोई भरोसा नहीं करते, समझी? सौदा हो गया, ऐसा कैसे सौदा हो गया? हमारी बात पर विश्वास नहीं हो रहा ना, तो चलकर खुद ही देख लीजिए। चलो। आप भी कमाल करते हैं पहलवान जी, खुद ही चलकर देखेंगे तो ही विश्वास होगा। देखा तुम्हारा भड़का पार्टी, उन्हें तुम्हारा बड़का पार्टी है अंदर। कौन है चमकी भाई, बता तो सही। ये देखो। कौन है? अरे तू कौन है रे, यहाँ अंदर कैसे आया? हमको पूछ रहा हम कौन है, बता इनका, बता हम कौन है। पहलवान जी, मुंह खोले से पहले तनी आगा पीछा देख लिया करो, सोच लिया करो कि किससे क्या बात कर रहे हैं। अरे रितेश बाबू है, रितेश बाबू। कौन रितेश? कौन रितेश? अरे हमारा परिचय पता चलेगा ना तो तू अपना नाम भूल जाएगा, मालूम है? अच्छा नाम भूल जाएंगे, तो एक काम करो, आ तुम परिचय अपना दे ही दो हमको, कौन हो तुम? अच्छा अरे ये क्या कर रहे हो? साले मारूंगा ना गोली, भेजाऊंगा दीवार में नजर आएगा, समझा? तब तेरे को पता चलेगा कि हम कौन है रितेश। रितेश बाबू आराम से। चला खिलौना भूल गए क्या? हम बचपन से खेले हैं का? ए पहलवान, अरे छोड़ो, रखो एक अपने पॉकेट में। पहलवान जी आप बैठो। अरे हम शांति से बताते हैं। आराम से बैठो। बताते हैं, बैठो। रितेश आप भी बैठो। ऐसा गरम मिजाज होने से कैसे चलेगा बताओ, आराम से बात करते हैं। हाँ ए पहलवान जी, जरा इनको ध्यान से पहचान लीजिए, ये हैं विजय कांत जी के सगा फुफेरा भाई। रितेश पहलवान जी। कौन पहलवान जी? तारा सिंह है। नहीं नहीं चुप साली, हट हट वहां से। अरे हम अपना परिचय खुद देता हूँ, हम बता रहे हैं हम कौन है। हम हैं बब्बन लाल जी के सगा भाई रज्जन लाल जी के खास हम खास, हमारा नाम है बदरी, बदरी पहलवान। ये रज्जनवा का नौकर है, हमारा आगे बैठा है। नौकर बोला? नहीं नहीं भाई, उनका ऐसा कोनो मतलब नहीं। ये नौकर, तुम यहाँ का कर रहे हो, यहाँ का है आए हो? हम अपने मालिक के वास्ते आए हैं, रज्जन लाल जी के वास्ते, सीमा कुमारी को ले जाने। सीमा कुमारी को ले जाने काहे वास्ते? काहे वास्ते? बकलोल है, बकलोल है। अरे हमारे रज्जन लाल जी का दिल आ गया है सीमा कुमारी पर, उसके वास्ते। और का बैठो बैठो, हम दो मिनट में आ रहे हैं, हाथ मुंह धो के कहीं जाना मत। हाँ रितेश बाबू बोलिए, खास खबर? अरे खास तो ठीक है, लेवल ही बताओ, ये साला भद्री कौन है जो रज्जन को अपना बाप बता रहा है? कोई कहाँ दिखा? अरे वो चमकी बाई का कोठे पे, वो कहा है कि चमकी बाई की बिटिया सीमा पे हमरा तेल आया हुआ ना। तो अरे सो तो है, पर आगे बात का हुआ सो बताइए ना। अरे वो भद्रिया कह रहा है कि रज्जन लाल सीमा पे नजर कड़ाए बैठा है। अच्छा, और उसका सौदा करने ही आया है। अच्छा अच्छा, तो रज्जन बाबू अपने भाई का हत्या का बदला कोठा पर ले रहे हैं। खैर छोड़ो ये सब बात, एक काम करो तुम, अपना वो काना में सीमा कुमारी को लेकर जहाँ उड़ना है उड़ जाओ, अब बीच में अगर बदरिया सलाया ना तो खींच के मारना तबड़ा का, ऐसा कि होश आ जाए साले का, और आगे जो होगा सो हम संभाल लेंगे। हाँ एक और बात, हम दोनों की बातचीत का तो उनको भनक नहीं लगना चाहिए उस बदरिया को। तुम चिंता ना करो, हम बाद में फोन करते हैं। हाँ ओके चलो बाय। का अनसठ बकरल बा रितेश वासे रजन लाल के बारे में कामे ऐसा करा तरह की बात ना हुई। सुन लो अपना दुलरिया देवर के करतूत अपना आदमी भेजले बड़े वो चमकी बाई के कोठा पर, ओकरा छोटकी बेटी से सौदा करे खातिर, कहे कि चमकी बाई के बेटी पर दिल आ गया है रज्जन लाल का। मुगले आज जब ये का कर रहल बा तू? छी छी ऐसी करनी कर रहल बा रज्जन लाल? अपना भाई के हत्यारा से बदला लेवे के बदले कोठा कोठा घूमत रहे रज्जन लाल, आ खाली इतना ना जिया जी की कमाई के गुलछाना उड़ाता रहे पैसा। अब हमके का पता रही कि गली का कुत्ता निकली? उन्हें भरोसा कर ले लूं उनका पे। और देखिए
एक दिन ये आ रही नू तो सारा धन दौलत उड़ जाए। बहुत मन बढ़ गई बा ओकरा। अब बुझाए गई हमरा के ओकरा लक्षण अकुलक्षण पुतन पानी बहुत सर से ऊपर चढ़ गई बा। दीदी अभी रज्जन ललवा से छुटकारा पाए के उपाय कर ना तो एक दिन कंगाल कर दी रोड पे आके खड़ा कर दी हमने के सोचो ओकर उपाय है नहीं लाए हुए लाके तो बात कर रहे हैं। अच्छा है? तो बोलो हां बैठो बैठो। क्या सोचे सीमा कुमारी के बारे में? सोचना का है सीमा का हमारे साथ रिश्ता हो चुका है और जाके बोल दो रज्जन लाल से कि हमारा डिसीजन फाइनल है सीमा हमारी है। अगर रंजन लाल ओकरी तरफ आंख उठा के देखेगा ना तो उसका दोनों आंख हम निकाल लेंगे। क्या बोला तुम? अरे तुम अभी रंजन लाल जी के बारे में तुमको मालूम नहीं है। वो रंजन लाल जो चाहते हैं वही पाते हैं समझे? उनको ना सुनना पसंद नहीं है क्या? उनको बोल दो अपना आदत जरा सुधार ले नहीं तो हमको सुधारना पड़ेगा उनका आदत समझे तुम? बहुत औकात से ज्यादा बढ़ चढ़ के बोल रहे हो। रंजन लाल का नौकर तुम भी सही औकात में रहो। उनको हम अपना औकात बताएंगे। एक मिनट में साले ये भेजा बाहर कर देंगे तुमरा से। भाग जाके बोल रजन लाल से तुमको रजन लाल दोनों को साले ऊपर भेजेंगे। दूंगा साले भाग तुम जाके बोलो साला। क्या हो रहा रिद्धि सुन जरा शांत शांत धरो शांत धरो बैठो आप और आराम से बैठ जाओ। अरे तेज बाबू ये क्या कर रहे हैं क्या हो रहा है? ऐसे लोगों को अंदर मत घुसने दिया करो। अरे आप जरा शांति रहो ये खाते रहो और शांति से शांति दिमाग रखो। हम अभी आते हैं ठीक है आराम से बैठो। हम तो लूट जाएंगे एक बात हमने बात सुनी है हम झूठ नहीं कर रहे हैं हम केहू के पक्ष नहीं ले रहे हैं। हम तो ऐसे जगह बैठे हैं कि जो पहले आता है उसी का सेवा करते हैं। सेवा तो चल जाके कर रही थी सेवा साली साली नाटक कर रही है साली। अरे ये एक बार हमका माफ कर दीजिए। बाबूलाल जी अब समझ रहे हैं ना कि हम क्या कह रहे हैं? केडी को हर हाल में इस चुनाव में जिताना है इसलिए अपना जोर तोड़ सब लगा दीजिए इस चुनाव में। आप निश्चिंत रहिए केडी जीतेगा। हाँ जरूर जीतेगा। आपने इतना कह दिया बहुत है हमारे लिए लेकिन एक बात याद रखिए बाबूलाल जी ये हमारी इज्जत का सवाल है। अगर केडी ये चुनाव हार गया ना तो आपका हार होगा। आपकी कथनी और करनी में तनी को फर्क हो गया तो ये चुनाव निशा जीत जाएगी। ये बात हम अच्छी तरह समझ गए दुलारे जी कि आप क्या चाहती हैं। अच्छा तो हम चले चाय तो खत्म कर लीजिए। दूसरा पार्टी कौन सा आ गया रे? दूसरा पार्टी वहां पहले से बैठा था उस्ताद। जानते हो कौन है वो? कौन है? कौन है वो? नाम बता साले का नाम बता तू। नाम सुनिएगा तो दांतों तले उंगली दबा लीजिएगा। रितेश विजय कंतवा का फुफेरा भाई। हाँ हाँ जानते हैं साले को। लेकिन तूने बताया क्या नहीं उसको कि सीमा कुमारी पर रज्जन कुमार का दिल आ गया है? बताना चाहिए था उसको साले को। बोला उस्ताद सब बोला पर उस ससुरा हमारी साली एक नहीं सुनी उल्टा साला हमारे पिस्तौल तान दिया। अरे तो उस्ताद वो चमकिया नहीं रहती तो हमारे तो समझो जाने चली गई थी। जानते हैं क्या बोला था आपके बारे में? क्या बोला रहू? क्या बोला? बोल रहा था कि रज्जन लाल से बोल दो कि सीमा के बारे में सपना देखना छोड़ दें उस पर उसी का हक है। अच्छा ये बोला हुआ हरामी इस साला रितेशवा भी हमको जानता नहीं है रज्जन लाल कितना खतरनाक आदमी है। आप भी समझ नहीं रहे हैं कि उस ससुरा कैसा आदमी है और उसका ये घर से का नाता है। ये घर से नाता है? हाँ। या का कह रहे हैं मेमन बाबू है? उस साला तो दुश्मन का भाई है। अरे विभीषण भी तो रावण का भाई था पर विभीषण के कारण रावण का अंत हुआ ना। जो कहना है वो साफ साफ कहिए मेहमान बाबू। क्या रावण विभीषण लगा रखे हैं? साफ बात यह है ससुर जी कि रितेशवा उस घर में यहाँ का जासूस है। वहाँ का सारा खबर यहाँ पर पहुँचाता है। कैसा खबर? हर तरह का खबर। उसके घर के भीतर का खबर बिजनेस का खबर राजनीतिक चाल कुचाल का खबर। छोटे ससुर जी समझ लीजिए कि रितेश का इस घर में बहुत ज़्यादा इज्जत है। आपका तो कुछ भी इज्जत नहीं जितना उसका इज्जत है।
ये पुतनवा है ना, उसका तो एकदम खासम खास है, बहुत पक्का दोस्त। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये बात है भाई, ये खबर तो एकदम में नया है हमरे लिए। अब आप देखते जाइए मेहमान बाबू, ये राम और श्याम का जोड़ी का कैसा इलाज करते हैं। वाह छोटे ससुर जी वाह, अरे बैठिए बैठो बैठो, क्या दिमाग पाया है, अरे सीखो सीखो, देह पहलवान जैसा लेकिन दिमाग उस तरह की धार से भी तेज। लेकिन छोटे ससुर जी प्लान का है? प्लान का बनाना है, प्लान तो ऑटोमेटिक अपने आप पे सॉलिड है, खाली एक फोन करके आप विजय कंतवा को बोलने भर का देर है। ये रितसवा तो ऐसा बिलाएगा ना, ऐसा बिलाएगा कि पुतनवा को उसका पता भी नहीं चलेगा। अच्छा है, बड़ा गॉडफादर बनता है ना रितसवा का। अब देखते हैं कैसे बचाते हैं अपने भगत को। देखिए का पता बचा भी ले, भगवान है वो, अब भक्तों को अगर भगवान नहीं बचाएगा तो कौन बचाएगा? पुराण पढ़े तो नहीं होंगे आप, लेकिन मंदिर में प्रवचन तो सुने होंगे ना, भगवान के भक्तों पर जब दानव अत्याचार करता है तो भगवान उनको बचाता है, लेकिन जब भगवान खुद ही भक्त पर अत्याचार शुरू कर दे तो कौन उसे बचाएगा? हाँ देखिए, खेला में तो मजा तब है जब पुत्तन का गोली और रितेश का सीना, समझ रहे हैं ना हमारा इशारा? समझ गया मेहमान बाबू। भाई ये हुआ नू वकील वाला दिमाग। वकील वाला नहीं, पॉलिटिशियन वाला, नेता वाला। पहले विश्वास जीतो और बाद में पीठ में छुरा भोंक दो। वाओ मिल्टन बून, प्यार मोहब्बत की किताबें, लव साइंस मेलिंडा गुडमैन, Hi. Where are you? Thinking about you. And I'm missing you a lot. Oh, ये बात है. From you. ये you कौन है? Hi. Thanks for the SMS. मैं सुबह से तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी. Thanks for the message. मैं सुबह से तुम्हें ही याद कर रही थी। छुट्टी कहीं की? अगर सुबह से याद कर रही थी तो कॉल क्यों नहीं किया मुझे, या फिर SMS ही भेज देती। नारस मत हो यार, बस तुम अपने पूरे नाम के साथ मेरा नाम जोड़कर SMS करो और फिर देखो क्या चमत्कार होता है। अपना पूरा नाम लिखो, मेघा ऐसा क्यों कहेगी? पर कह भी सकती, इसमें कौन सी बड़ी बात है? सब ठीक है ना? और ये कौन है जो तुम्हें इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस भेज रहा है? हाँ भाभी, आपको पता नहीं है किसी का मोबाइल ऐसे नहीं चेक करना चाहिए, और SMS पढ़ना सबसे बड़ा क्राइम है। मैं तुम्हारी भाभी और पढ़ सकती हूँ। चलो बताओ कौन है ये रोमांटिक मैसेजेस भेज रहा है तुम्हें? कोई नहीं है, जस्ट अ फ्रेंड। देखो बच्चू, बाय द वे नाइस पेंटिंग है,
आज मैं तुमसे क्या कह रही थी कि उम्र के जिस दौर से तुम इस वक्त गुजर रही हो मैं उसे पार कर चुकी हूँ, इसलिए नहीं चाहती कि तुम किसी मुसीबत में फंस जाओ। देखो अगर तुम मुझे बता देती हो तो शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूँ। भाभी आई टोल्ड यू जस्ट अ फ्रेंड, मेरी फ्रेंड है, उसका नाम उर्वशी है और मैंने अपने सेल में उसका नाम यू करके सेव किया हुआ है। बस वही ऐसे उलटपटांग मैसेजेस भेजती रहती है। आई थिंक अभी भी उसने कुछ ऐसे ही मैसेज भेजा होगा। आपने पढ़ा क्या? पढ़ा इसलिए तो पता है तुम झूठ बोल रही हो। नहीं तुम्हारी चोरी पकड़ी गई है मेघा, झूठ मत बोलो। अरे मैं झूठ क्यों बोलूंगी भाभी, मैं सच बता रही हूँ आपको। चलो ठीक है, शायद तुम कंफर्टेबल नहीं हो मुझे बताने में, लेकिन जब भी फील करो बता देना, ठीक है? बाय द वे इसमें लिखा था आई मिस यू। ऑफ कोर्स मेरी फ्रेंड है, मुझे लड़की का नहीं हो सकता। ऐसा SMS तो सिर्फ एक लड़का भेज सकता है, आखिर चक्कर क्या है? पता करना जरूरी है आखिर ये मैसेज भेजा किसने है, ये यू आखिर है कौन, और वो भी जल्दी पता करना पड़ेगा। मैं नहीं चाहती कि कल को मेघा किसी मुसीबत में पड़ जाए। पहले से इस घर में प्रॉब्लम की कमी नहीं है। एनीवे हाय स्वीटहार्ट, तुमने भी SMS किया था? या जस्ट अ नॉर्मल मैसेज यार, और फिर तुमने भी तो उसका जवाब भेजा ही था ना। नॉर्मल मैसेज? अरे तुम्हें समझ में नहीं आता है कि मैं रिप्लाई कर रही हूँ या कोई और। तुम्हें पता है क्या हुआ, भाभी रिप्लाई कर रही थी। तुम्हारी भाभी ने? ओके ओके अब समझा अब समझा। उन्होंने मुझे तुम्हारे नाम के साथ अपना पूरा नाम जोड़कर लिखने को भेजा। वैसे एक बात बताओ, तुम्हारी भाभी है बड़ी स्मार्ट। बहुत अच्छा हुआ मैंने नाम लिख के नहीं भेजा, वरना मैडम आज तो आप रंगे हाथों पकड़ी जाती हैं। मुझे तो इस बात की टेंशन हो रही है कि कहीं बाहर भाभी खड़ी होकर मेरी बातें ना सुन रही हो। अच्छा अब मैं फोन रख रही हूँ। वेट 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 वेट, एक मिनट यार एक मिनट, वो कुछ भूल रही हो मेरी जान। क्या? वो मेरा आज का डोज। You must be kidding, Udi. आज कुछ नहीं मिलेगा, मैं फोन रख रही हूँ। बाय। ये राजनीति का खेला बड़ा अलबेला होता है, कौन सा दाव कब चलना है और कौन सा दाव कहाँ सही बैठेगा, बस ये समझना जरूरी होता है। सही टाइम पे सही दाव खेल दो तो जीत निश्चित है। बात तो एकदम सही कहे काका, पर इस इलेक्शन में अब हम ऐसा का दाव चलें कि अपना जीत जो है वो एकदम निश्चित हो जाए। जय, इलेक्शन में जीत वोटों के जोड़ तोड़ से होती है। कहीं जाति का पत्ता चलता है, कहीं धमकी का, कहीं डर का, कहीं लालच स्वार्थ का, बस सही टाइम पर सही पत्ता चलना ही जरूरी है। का भवानी, सब बूथ का इंतजाम हो गया? जी भैया जी, बूथ नंबर 11 पर मोतिया है, 12 पर रामसागर, बाकी भैया जी हम तीनों पर आते जाते रहेंगे। अगर कुछ गड़बड़ हो तो जानते हो कि क्या करना है। जी भैया जी, भैया जी तनी पैसा और चाहिए। पैसा क्या बात है? वोट गिराने से पहले मजदूर सब में 25-25 को रुपया और एक एक ठो पाउच बांटना चाहते हैं। सही दिमाग लगाए, विजय दे दो पैसा। एक बात ध्यान रखना, पैसा पाउच मजदूर लोग के हाथ में ही जाना चाहिए, मैंने उन्हें खर्चा मत कर देना। जी बाबू। हम क्या कह रहे थे, तीन बूथ पे ही अपना लड़का सब है। खेल तो पूरा विश्वास जीतने का है रितेश भैया, तो दुलारी भौजी का विश्वास जीत लिया, सिकंदर तो वही कहलाएगा। तो क्या करें, सॉलिड इंफॉर्मेशन तो दे दिया, अब उन लोग कुछ ना उखाड़ पाए तो हम क्या करें। विजय कंतवा भी चौकन्ना हो गया है। हाँ रितेश भैया, अरे इतना बड़ा खिलाड़ी हो के आप ऐसे बात करिएगा, पर जो गोरा फूल को एक बार चख लिया कभी बाज आता है कभी। रितेश भैया आपको खाली इतना करना है कि विजय कांत पे चौकन्ना नजर रखना है, बस उसके बाद तो विजय कांत को फंसना ही फंसना है।
विजयकांत पे तो हम नजर रखे ही हैं, लेकिन उस ससुरा है बहुत शातिर। कब आता है कब जाता है हवा नहीं लगने देता। शातिर तो है रितेश भाई, बाकी विजयकांत पे विजय हासिल करना है तो उससे भी बड़ा शातिर बनना पड़ेगा, नहीं तो अमरकांत का विरासत कैसे हासिल करिएगा। दुलारी भौजी आप पे बहुत विश्वास करती है, विश्वास को बरकरार रखना भी जरूरी है, ना तो आपका सपना सपना ही रह जाएगा रितेश भाई। केडी बाबू जिंदाबाद, केडी बाबू जिंदाबाद, केडी बाबू जिंदाबाद, केडी बाबू याद रखिए जिंदाबाद। राजा हम तो ही चुनिएगा, केडी बाबू जैसा हो हमारा नेता कैसा हो, केडी बाबू जैसा हमारा नेता कैसा हो, अब याद है ना। अरे हाँ हाँ केडी बाबू, ये भी भला कोई पूछने का बात है। केडी बाबू ये तीन चार लोगों का लेके घूमने से क्या होगा, चार में कम से कम 50-60 लोग होना चाहिए। हाँ ऐसे कंपेनिंग नहीं ना होता है, ऐसे तो लोग समझेगा कि जब अब यहाँ आपके साथ कोई नहीं है तो बाद में क्या होगा, ऐसे वोट नहीं ना मिलेगा। ऐसे तो लगता है कि आप बाबू बबनलाल का नाम ही डुबा दीजिएगा। हाँ कहिए तो और सब लोगों का बटोर के साथ में ले चलेगा। एक ही पूछ पूछ, अरे बुला लीजिएगा, थोड़ा माल पानी मिल जाएगा। और इतना घबराते का है? अरे हम नहीं ना घबराते हैं। काजल सब ठीक बा? आई ये ले, इधर के बेटा खाना था। प्रणाम भैया जी। काजल जी भैया जी सब बढ़िया बा? भैया जी कौन आ गया लोटा लंगोटी लेके अपना? ए सुन कौन आया है रे? बिंदा भैया आए हैं। उस्ताद जी ये बिंदा भैया कौन है? अरे हमारे बड़का भैया का पोसा हुआ बड़का कुत्ता साला, केतु तो पहले ही से हमारा जन्म कुंडली में विराजमान था, आज राहु का भी प्रवेश हो गया। ऐसे घूर के का देख रहे रजत जी, पहचान रहे का? अरे काहे नहीं पहचानेंगे भाई, अपना बड़का भैया के सबसे दुलरुआ साला को काहे नहीं पहचानेंगे। कहिए कैसे आना हुआ है? देख नहीं रहे रिक्शा वाला लगा हुआ है, बोलिए तो आपके लिए बुलाते हैं। जाइए जाइए आराम कीजिए। आ रहे उस्ताद जी इतने बहुत टेढ़ी है बतिया रहा है। अरे बदरिया टेंशन मत ले, इसको सीधा हम करेंगे। तुम लोग एकदम खा खा के मोटा गए, वो लोग कहाँ गया? सब 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 है, सब बाजार गया है का? मालकिन मालकिन उनके बदल गए का भाई? बिंदा भैया आइल बारे का? बिंदा भैया आइल बारे, बिंदा भैया सामान अंदर रख दो। कोल्ड रख दो। खुश रहो। अब नहीं जाब, अब तो हम रह एकदम परमानेंट यहाँ पे। तो हमारे भाई नहीं खो? हम तो हमारे दीदी नहीं की, हमरा से गलती हो गई। ओ दिन हम तोरा से कहले रही कि तू घर छोड़ के चल जा, और तू हमरा के छोड़ के चल गई बिन्ना। हम तो कहते रही कि हमरा से गलती हो गई, अब तू ही का कहला? ये रजनवा के काहले बुलेला? तू रजनलाल के बारे में कहता रे? हां ओकरे बारे में बात करता नहीं। ई विजयकंतवा मार्केट में खुल्ला घूम रहा है, आई पहलवान मन के अपने तेल में मालिश करवा रहे, का जरूरत रहे एकरा के लावे के? अब तू का करती? हम का करती? तू हमरा के छोड़ के चल गए ले, और पुतनवा अकेला हो गए, तो हमरा के भी तो सहारा की जरूरत होगी के ना? यही खातिर हम ओकरा के लेके आइल बानी। हमरा के का मालूम रहे कि वो हमार गला के फांस बन जाई। अब जे हो गई सो हो गई, हम जीजा जी के कातिल के बदला ले, ओकरा बाद ना ये जो गला का फंदा में फंस बना हुआ है ना, इसको भी निकाल के फेंकेंगे हम। देख बिंदा तू समझदार बाड़े ना, जल्दबाजी में कोनो काम ना करिए,
ना तो सारा खेला बिगड़ जाए। तू आ गई बाड़े ना, सब ठीक हो जाए। तू जाके नहा धोला जी, हम खाना लगा बता। रसगुल्ला मंगा लिया हो जाए। कबट में रख दूं? ना ना वही रख दा, बाद में हम रख ले। इतने गौर से क्या पढ़ रही हैं आप? आजकल तो पेपर पढ़े कि मन ही निकल करेगा। और फिर मैंने और श्रीने भी तलब मैरिज की थी, तब तो आपने हमारा साथ दिया था। अरे वो श्रीकांत लड़का बा, और मैं था लड़की। श्री किसी का बेटा था, लेकिन मैं भी तो किसी की बेटी थी। अब बेटी चाहे महाराजगंज की हो या बॉम्बे की, बेटी तो बेटी होती है। लेकिन मेरे माँ बाप ने तो श्री को स्वीकार किया था ना माँ? माँ आप मुझ पर भरोसा रखिए, मैं मेघा की भाभी हूँ, उसे किसी गलत रास्ते पे नहीं जाने दूंगी। आप सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं पता करूँगी कि वो लड़का कौन है, क्या करता है, उसका बैकग्राउंड क्या है। और सबसे बड़ी बात कि वो हमारी मेघा से कितना प्यार करता है। विश्वास रखिए मुझ पर।